बिट्टू शर्मा इनका नाम है, उम्र इनकी 25 साल है और रहने वाले ये डोडा के हैं, जो कि 10 मई से लापता हैं और अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जम्मू के बस स्टैंड से ये लापता हुए हैं और अभी तक जो है इनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि हर पुलिस स्टेशन में इस चीज के लिए कंप्लेन भी लिखवा दी है। इनको ढूंढने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, पर अभी तक इनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। इसी के साथ साथ इनके घर वालों का ये भी कहना है कि ये जो है वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, इनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। और इस समय की मैं बात करूं तो आप जो तस्वीरें हैं वो अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, ये बिट्टू शर्मा इनका नाम है और उम्र जो है वो 25 साल है, ये डोडा के रहने वाले हैं। इनके परिवार वाले हमसे ज्यादा बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इनके परिवार वाले भी यहीं पर जो है वो रह रहे हैं। काफी इनको जो है वो दरबदरी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घर डोडा है और यहाँ पर सिर्फ इसीलिए रुके हुए हैं कि भाई अभी तक मिल नहीं रहा है, इनका बेटा अभी तक मिल नहीं रहा है और उसे ही ढूंढने के लिए अभी तक यहाँ पर रुके हुए हैं। काफी ज्यादा मुश्किल इन्हें इसके लिए भी आ रही है, लगभग एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है पर अभी तक इनके घर वाले जो है वो इसीलिए यहाँ पर रुके हुए हैं, डोडा वापस नहीं गए हैं क्योंकि इनके घर का जो एक सदस्य है जिसका नाम बिट्टू शर्मा, उम्र 25 साल, इनका बेटा, इनका भाई जो है वो लापता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया देवी है। प्रिया, आप मुझे बताएं ये कब लापता हुए थे? ये एक्चुअली 10 मई से लापता है, अभी तक इनका कोई पता नहीं चल रहा है। हम हर एक पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, हर एक पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट लिखवाई कि हमें कुछ मतलब पता चले, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है इनका। ये आपके भाई? हाँ जी, ये मेरे भाई है, मुझसे सबसे बड़े यही है। आप मुझे बताएं कि पुलिस वाले क्या कहते हैं? अभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारी कोशिश भी जारी है लेकिन कहीं सुराग मिले तो हम अपनी टीम भेजे हैं। तो हम लोग अलॉटमेंट करवा रहे थे तभी हमें एक ने बोला कि मैंने यहाँ पे जीवल चौक में ये जो पुली है उसके नीचे देखा था बैठे हुए, तो बोलता अगर मुझे पता होता ये लापता है तो मैं पकड़ के पुलिस स्टेशन में पहुंचा देता, लेकिन बोलता मुझे नहीं पता था इसके बारे में। यहीं पर किसी ने इनको बैठे हुए देखा? हाँ जी, यहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ जी, यहाँ ही पे देखा गया। तो हमने यहाँ पे सर बोलते मैंने कैमरे वगैरह चेक करवाए लेकिन उसमें नहीं आ पाया ये कैमरा में। अच्छा, तो जहाँ से गुम हुए वहाँ पर भी कैमरे लगे होंगे, वो तो इलाका कैमरों से भरा है, तो क्या पुलिस कह रही है वहाँ की? कोई फुटेज नहीं आई है अभी तक? वहाँ पे फुटेज वगैरह आई है, जो लास्ट बस स्टैंड में देखेंगे, मेटडोर में बैठे थे वो बस स्टैंड मेटडोर ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी जगह कहीं कहाँ उतरे हैं, कोई अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। इनके पास कोई मोबाइल फोन था? मोबाइल फोन इनके पास मैम जो था वो भजन वगैरह सुनते थे, वो भी वहीं पे रूम में ही रखा हुआ है, तो अभी तक मतलब कोई कुछ नहीं था। इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं बाहर चले जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, तो फादर साहब भी बहुत दिन से परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ, एक महीने से लगातार हम भी ढूंढने की कोशिश। यहाँ कहाँ रुके हो फिर आप, डोडा के रहने वाले हो यहाँ भाई? मैम यहाँ चांद नगर गुरुद्वारे में रुके हुए हैं, उनका भी बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने दिन उन्होंने भी हमें रहने दिया यहाँ पर, क्योंकि बाय द वे कोई रहने नहीं देता यहाँ पे इतने दिन तक, उन्होंने लगभग हमें रहने दिया कि इतना सपोर्ट हमें किया कि आप अपने भाई को ढूंढो कि अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ में आई है मैम। अंकल जी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं अभी? पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमें कोई सुराग लगे पता लगे तो हम वहाँ जाएगी हमारी टीम लेकिन लाएंगे, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट भी कराया, लगे हैं पुलिस भी लगी है लेकिन कोई अता पता नहीं चल रहा। हम भी ढूंढते पूरी कोशिश लगा रहे हैं, जब से 10 मई से लापता है लेकिन आज तक कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है, किस हालत में होगा। आप मुझे बताएं जब वो घर से गए भाई आखिरी बात क्या करके गए थे? क्या मैम आखिरी बात उसने कुछ नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया, दरवाजा खोला पता भी नहीं दिया और नीचे चांद नगर गुरुद्वारे में खाना खाया बस वहाँ से चले गए वो। उन्होंने बताया नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ या क्यों जा रहा हूँ किस सिलसिले में? मैम वो बात नहीं कर सकते इतनी ज्यादा हमारे से, मतलब ज्यादातर जैसे वो बात करते वैसा वो बोल नहीं सकते, बस अगर कोई नाम पूछे क्या नाम है तेरा इतना बोलेंगे कि बिट्टू, और कोई पूछेगा कहाँ के रहने वाले हो अगर जम्मू में होगा तो बोलेगा मैंने जम्मू जाना है, अगर कहीं डोडा में होगा तो बोलेगा मैंने डोडा जाना है, बस इतना बता सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार तस्वीर आप सभी लोग फिर से देख लें, अगर कोई भी इसे पहचान पाया है या कोई भी इसे जानता है, इस व्यक्ति को आपने कहीं भी देखा है जम्मू में कहीं पर भी देखा है तो प्लीज कांटेक्ट करें, ऊपर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6005038398। ये किसका नंबर है? ये हमारा ही है, ये आप ही का नंबर है? चलो ये इन्हीं का नंबर है, इन्हीं के परिवार वालों का नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिट्टू नाम है इनका, ये तस्वीर है इनकी।
और फिलहाल जो है वो आप इसे देख पा रहे हैं। आंटी आपसे कोई बात हुई थी बेटे की जब वो घर से गया? कोई बात नहीं हुई है उसके साथ, कोई बात नहीं बताया उसने ना कोशिश कुछ नहीं उसने बताया, कोई बात नहीं, कोई कैसे नहीं, खाना खाया नीचे से उधर से भाग गया, कोई पता नहीं चला उसका। सार को बोल रही है कि जहाँ एक बोलता है इधर देखा तीन तरीक उसके बाद कोई पता नहीं चला था, पुलिस भी ढूंढा दे अस भी ढूंढा कोई पता नहीं चला था, कोई ना बताता ना कोई किस पता चले ना, फिर कोई पता नहीं चला था, बहुत परेशान हो गया क्या खा रहा फाके है क्या खा रहा क्या नहीं कोई पता नहीं चला था। इन्हें खाली मेहरबानी करनी जिस भी लगता वाले कर सा बहुत बहुत धन्यवाद। आप डोडा से कहाँ के रहने वाले हो? डोडा कुल्हाड़ से हम लोग। कुल्हाड़ से जी। चले अगर किसी को भी ये मिलता है जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी अगर ये मिलते हैं तो आप लोग प्लीज आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने बताया जब आप इनका इश्तेहार लगा रहे थे आपको किसी ने बताया कि इस जगह देखा है इसको, वो कब बताया आपको? मैम उन्होंने कल की हाँ कल हम लोग परसों अलाउंसमेंट करवा रहे थे, उन्होंने ऑटो को तीन बार सीटी मारी बोलते रोको ऑटो को, हमने रोका उनको पोस्टर दिखाया, उन्होंने कहा कि 3 तारीख को मैंने देखा ये लड़का यहीं पे, मैं ऑफिस बंद करके आ रहा था तो 3 तारीख को, हमने बोला सर अपना नंबर वगैरह दे दो आप कॉन्टेक्ट नंबर आपने देखा तो, फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया और सीधा वो जीवल सर ने बुलाया उनको पुलिस स्टेशन में, नवाबाद पुलिस स्टेशन में, उन्होंने वहाँ पे बयान दिया कि ऐसा सा कलर के इसने कपड़े पहने थे यही लड़का था शोर की, मैं वही कपड़े डाले थे जो डाल के घर से गए थे? हाँ बोलते वही कपड़े थे, एक किनारे पे साइड पे मतलब बैठा हुआ था, ब्लैक कलर की कुछ पैंट पहनी, कपड़ों का क्या मैम कपड़े चेंज हो सकते हैं, बोलते यही लड़का था, उन्होंने दूसरे लड़के का फोटो दिखाया बोलते ये नहीं था वो ही था, तो मैम वो एक्चुअली उसका एक गुर्दा भी डैमेज हो चुका है और दिमागी स्थिति भी उनकी ठीक नहीं है, बीपी उनको बढ़ती है, थायराइड भी है, पेशाब में प्रॉब्लम है, इसलिए हम सोच रहे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग भी ढूंढने की हमारी मदद कीजिए, जम्मू सिटी बहुत बड़ी सिटी है लेकिन लोगों से भी यही है कि आप लोग अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है जम्मू में, तो कहते हैं कि बिछड़ों को मतलब कि बिछड़ जाते हैं लेकिन आप लोगों का सहयोग से हर एक बंदा मिल सकता है, हाथ आप सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि अगर कहीं भी किसी गली चौराहे में ऑटो वाले ड्राइवर को या मेटाडोर वालों को बस वालों को कहीं भी आपको मिलता है तो प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए या नवाबाद पुलिस स्टेशन में वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारा भाई मिल सके हमें। चले अभी फिलहाल इनकी तरफ से गुहार आपको लगाई गई है, यही एक तस्वीर इनके पास है जो ये लेकर निकले हैं घरों से, अगर आपको कहीं भी ये व्यक्ति नजर आता है तो आप हमारे चैनल्स पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या इनका नंबर मैं एक बार फिर रिपीट आपको कर दूं 6005038398398 ये इनका नंबर है, इस व्यक्ति का नाम बिट्टू, उम्र 25 साल है, अगर आपको कहीं पर भी ये दिखते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, इन्हें भी इनके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज एज सून एज पॉसिबल अगर आपको दिखते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप संपर्क जो है वो कीजिए। देख रहे हैं आगे ब्रेक्स, अगले टाइम फ्यूचर कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत, जय हिंद।